गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज संडे का दिन है तो फुल डे बिजी रहे हैं। सुबह से सारे काम कर लिए हैं और बच्चे भी घर पे रहे हैं, तो सुबह से हम क्लीनिंग और उनको नहलाना हलाना सारा काम करके बस अभी नहा के ही आए हैं। तो जा रहे थे दोबारा से चाय बनाइए, क्योंकि सर दुला ना तो सर दर्द होने लगता है, तो मैंने सोचा दोबारा से चाय पी लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी। घर के भी जो और काम पड़े हुए हैं, खाना बनाना है वो बना लूंगी। और आज बहुत अच्छी धूप निकली है, एकदम खिली सी। और दो दिन से तो मौसम ना बहुत हल्की हल्की बारिश थी और धूप तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। ज़रा बहुत दिख रही थी तो वो भी चली जा रही थी, और एकदम और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज मौसम ठीक है और धूप निकली है तो सही है कि कम से कम बच्चों ने नहा लिया, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। और कपड़े भी जो धुले हैं तो वो भी सूख जाएंगे। अभी कल के भी कुछ पड़े थे, कुछ आज हमने धुल के डाल दिए, तो सारा स्टॉक सारा लग गया है धूप अच्छी होने की वजह से ना। और बाहर भी कुछ काम है तो वो भी हो जाएगा। और आज संडे की धूप अच्छी है तो लोगों को कहीं आना जाना हो तो उनके लिए भी अच्छा है, उतनी सर्दी बच्चों को नहीं लगेगी अगर बच्चों के साथ निकल रहे हैं तो। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ और चाय पीने के बाद जा रही हूँ, खाना बना लूँगी वरना लेट हो जाऊँगी। मैं भी बाहर जाने की सोच रही हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे ना कुछ प्लांट्स लगाने हैं तो उनके लिए कुछ गमले लेने हैं और भी छोटी छोटी चीज़ें। संडे मिलता है तो सोचो इसी दिन चले जाओ, और दिन तो बच्चों की छुट्टी रहती नहीं है तो नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो आज संडे है और आज संडे के दिन शर्मा जी को दाल चावल चटनी सलाद रायता यही सब पसंद आता है और चोखा भी। तो उन्होंने बोला कि रायता और दाल बना लो, तो आज मैंने खाने में चने की दाल और आलू का रायता चावल रोटी सलाद यही सब बनाया था। और खाना लगा के दे देती हूँ। खाना लगाने के बाद बाहर भी जाना है, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बच्चों को तैयार करके, और कपड़े उठा लिए थे क्योंकि सूख गए थे, आते आते शाम हो जाती तो फिर टाइम हो जाता। और कपड़े उठाने के बाद आज धूप अच्छी थी, दो दिन से जीरा और अजवाइन आया था तो वो ऐसे ही रखा था, तो आज धूप अच्छी थी तो रख दिया था मैंने धूप में, और उसके बाद उसको भी भर लिया था। और कपड़े उतार रहे थे तो क्लिप और साथ में कू की शर्ट दोनों गिर गई थी साइड वाले छत पे, तो फिर पूजा के ले आई थी और उसके बाद ये अजवाइन और जीरा था उसको भर लिया था, बॉटल में आ नहीं रहा था तो फिर मैंने धूप में भर लिया था। और उसके बाद बर्तन पड़े हुए थे वो धो लिए थे और उसके बाद निकल गए थे मार्केट के लिए। सबसे पहले आ गए थे गमले लेने के लिए, तो बच्चों से कहा था घर में रहना तो जाके इनके साथ में ले आती, पर ये रुके नहीं और संडे भी था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो यहाँ पर घर से थोड़ी दूर पे ही है ये, यहाँ पर बनाते हैं ये सारे लोग, तो पास में ही था तो फिर यहीं चले गए थे। और जो नर्सरी थी वो थोड़ा दूर थी तो यहीं से लेके आए थे, और बाइक थी तो सिर्फ फिर दो ही आ पाए थे, और फिर कभी और दिन जाके और ले आते। तो और बहुत सारे डिज़ाइन के तुलसी जी वाले छोटे बड़े हर टाइप के थे।
यहाँ से लेने के बाद फिर मार्केट के लिए चले गए थे। और हमें हमारी फ्रिज में ज़्यादा स्टॉक लगा के नहीं रखना होता है, बास्केट अक्सर खाली रहती है क्योंकि बगल में मिलती है सब्ज़ी और ठेले वाले भी बहुत आते हैं तो फ्रेश मिल जाती है, तो फिर सब्ज़ी ज़्यादा नहीं लेती हैं, लेकिन निकले थे तो ले लिया। और आजकल इतना सब कुछ ग्रीन ग्रीन देख के खाने और लेने का मन करता है कि ये सब घर लेके चले जाएं, लेकिन बच्चे ज़्यादा खाते नहीं। शर्मा जी बाई चांस लेके आते हैं तो पूछते हैं क्या लेके आए, अब जब देखते नहीं तो क्या बताएं कि क्या लेके आई है। और वहाँ से आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा ली थी और दूध रखा हुआ था तो वो भी रख दिया था साइड में। तो दोनों साइड चढ़ा के सबसे पहले मैंने सब्जी धुलने के लिए जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे उनको सेट कर लिया था, और उसके बाद बास्केट खाली हो गई थी तो फिर सारे जितनी सब्जी थी तो जब तक चाय और दूध गर्म हो रहा था बन रही थी तब तक फिर मैंने सब्जी धुल ली थी। और पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया, लास्ट ईयर मैं गिर गई थी तो चोट है तो पूरे दिन तो नहीं, पर हाँ ऊपर उठाओ या नीचे तो थोड़ी बहुत तो दर्द करता ही रहता है, पर दिन में 2-3 बार ना बहुत ज़्यादा दर्द करता है, लगेगा कि टूट गया ऐसा फील होता है। और चाय बन गई थी तो पी लिया था पहले मैंने, और उसके बाद 2 ही बार धुले थे तो फिर 1 बार और धुलना था, तो तब तक फिर सारी सब्जी की चाय पीने के बाद फिर मैंने फिर दोबारा से उसे धुल लिया था। और कुकू का होमवर्क तो करा दिया था मैंने सैटरडे को ही, पर उनके कपड़े जो हैं मंडे को फिर जल्दी रहेगी, तो फिर सब्जी धुलने के बाद कपड़े सारे तय कर लिए थे और ब्रश कर लिया था, सुबह भागम भाग नहीं होगी इसकी वजह से। करते हुए टीवी भी देखते जा रहे थे, और 15-20 मिनट का रेस्ट लूँगी क्योंकि पूरे डे बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। उसके बाद जाऊँगी खाना बनाऊँगी जाकर, और मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो अभी तो सिर्फ 2 ही लेके आए, किसी दिन और लेके आऊँगी और 1-2 दिन में जो लेके आई हूँ उसमें लगा दूँगी। और मुझे ग्रीनी प्लांट फ्लावर बहुत पसंद है, ऐसे प्लेस भी बहुत पसंद है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।